नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन अरोरा। द फैक्ट टाइम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मिलते हैं कुछ लोगों से, जानते हैं उनके विचार कि आखिर डेरा सच्चा सौदा के बारे में वो क्या बोलते हैं, क्या उनका सोचना है। हेलो मैम। यस। आपका नाम क्या है? ममता। कहाँ से आयो? एलनावस से। मैम, आज आप डेरा सच्चा सौदा में आयो, मैम किस पर्पज से आयो आप? हम अपने सतगुरु के जन्म दिन को मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैम, कितना विश्वास करते हो आप अपने गुरुजी के पर? हम यहाँ पे 15 सालों से जुड़े हुए हैं, हमें आज भी विश्वास है, पहले भी विश्वास था और आगे भी विश्वास रहेगा ही, क्योंकि हमारा सतगुरु पूरा है और पूरा ही रहेगा। मैम, कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? हमें 15 साल हो गए हैं जी। यार मैम, 15 सालों में आपने कभी कुछ गलत देखा हो या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ हो, क्या ऐसा हुआ मैम? नहीं, हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही हमने इस संस्था के अंदर ऐसा कुछ देखा है और ना ही देखने को मिलेगा हमें। मैम, दुनिया को, समाज को क्या मैसेज दोगे आप? अभी गुरुजी समाज में नहीं है, तो आप क्या मैसेज दोगे? हम यह कहेंगे कि हमारे सतगुरु को यहाँ पे जल्दी से जल्दी भेजा जाए, ताकि जो समाज के अंदर बुराइयाँ बढ़ी हुई हैं, नशे बढ़े हुए हैं, उनको दूर हटाने के लिए हमारे सतगुरु पहले भी उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं और आज भी वो करते हैं। हम समाज को यह संदेश देना चाहेंगे कि हमारे सतगुरु को जल्दी से जल्दी हमारे संस्था के अंदर दोबारा से भेजा जाए। जो समाज के अंदर आज बुराइयां बढ़ी हुई हैं, उनको छुड़ाने के लिए हमारे सतगुरु ने पहले भी बहुत कोशिशें की थी, आज भी वो करेंगे आगे। हमें इससे हमारे समाज को काफ़ी लॉस हो रहा है, इसीलिए हमारे सतगुरु जी को जल्दी से जल्द भेजा जाए। थैंक यू सो मच मैम, आप अपने विचार हमारे साथ साझा किए। थैंक यू दोस्तों, आप हमारी इस तरह की कुछ सच्ची बातें, सच्ची कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ द फैक्ट टाइम।